तो क्या आप लोग परेशान हो कि आखिर फिजिक्स के बोर्ड्स के पेपर में कहां से आने वाला है फुल रिसर्च के साथ? तो वीडियो को आखिर तक के जरूर देखें। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोग की प्रिपरेशन अभी तक के ढंग से नहीं हो पाई है और अगर आप लोग साल भर पढ़ रहे थे लेकिन लास्ट मोमेंट में आप लोग की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, मैंने आप लोग के लिए मेरे खुद के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया मेरा कोर्स, जो रहने वाला है 12 डेज का लास्ट मोमेंट क्रैश कोर्स फिजिक्स के लिए, जो स्टार्ट होने वाला है 2nd फरवरी से और 13 फरवरी तक के कंप्लीट होने वाला है, जहां पे 14 सेशन रहेंगे। डिटेल में सभी चीजों को कवरअप करेंगे, पहले रिविजन के साथ साथ मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ होने वाले, जो आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन बेटर बना देंगे। तो इस 12 डेज के क्रैश कोर्स में आप लोग को लाइव क्लास मिल रही है, साथ ही साथ आप लोग को डीपी भी मिलेगी, मेरे खुद के प्रीमियम नोट्स आप लोग को फ्री मिल रहे हैं, उसके साथ फॉर्मुला शीट, माइंड मैप्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, सैंपल पेपर के सॉल्यूशन, लास्ट ईयर का फिजिक्स का पेपर, एडिशनल फिजिक्स के क्वेश्चंस, सब कुछ आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो अभी ज्वाइन करें, चल रहा है लिमिटेड ऑफर, सिर्फ और सिर्फ 499 के अंदर आप लोग इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपने घर बैठे मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो आई बटन पे क्लिक कर लें। जैसे आप लोगों ने थंबनेल और वीडियो के इंट्रो में देख लिए कि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं और आप लोगों की एकदम जेन्युइन हेल्प करने वाला हूं कि आखिर सीबीएसई बोर्ड अपने फिजिक्स के पेपर में कहां-कहां से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पूछ सकता है, वो भी फुल ऑन फुल तगड़ी रिसर्च के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एनालाइज करने वाले कि कौन कौन से टॉपिक से आप लोग को चीजें आई है। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज चीजों को देखेंगे कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से एमसीक्यू आ सकते हैं, कहां से वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं और किसकी आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहने वाली आप लोग के 2023-2024 के एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 1 के लिए। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। यहां पे मैंने आप लोग के लिए बहुत अच्छे से डिनोट कर दिया हूं, टॉपिक्स आप लोग को यहां पे सारे के सारे गिवन है जो आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो रेड कलर से मार के याद रखना वो सिलेबस से डिलीटेड वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को नंबरिंग कर दिया हूं, इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप लोग को एक ग्राफ देखने को मिल रहा है जो एनालाइज कर रहा है लास्ट 10 ईयर के सीबीएसई के पेपर को। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग को ना हर टॉपिक के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कहां-कहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं और यहाँ पे मैंने कलर से इसको डिनोट कर दिया हूं कि एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कहां-कहां से ज्यादातर आ रहे हैं। आप खुद देखकर समझ सकते हो इस ग्राफ में कि कौन-कौन से टॉपिक से आप लोग को चीजें ज्यादातर पूछी जा रही है। बट अगर आप मुझसे पूछते हो कि सबसे ज्यादा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे तो वो रहने वाला है सबसे पहले गॉस लॉ और इसकी एप्लीकेशन, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे 1.14 जो आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिल रहे हैं और इसी टॉपिक से आप लोग देख रहे होंगे वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस सभी के सभी ज्यादातर यहां से बन रहे हैं। तो गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस को अच्छे से कवर अप करें। दूसरी चीज जो आपका 1.8 पे है वो रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको अच्छे से कवर अप करके जाएं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ में डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये ग्राफ में आप लोग को ज्यादा हाईलाइटेड दिख रहा है, मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया है। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करके जरूर जाएं। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो यहां पे सारे टॉपिक मैंने लिख दिया जो आप लोग के बोर्ड्स के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं और इसके लिए आप लोग का लास्ट 10 ईयर में जो सीबीएसई बोर्ड्स में पूछा गया है उसका पूरा का पूरा एनालिसिस यहां पे आप लोगों को गिवन है। तो इसके पूरे के पूरे रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो मैक्सिमम वेटेज आप लोग को 2.15 वाले टॉपिक से देखने को मिल रहा है, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। याद रखिएगा ये पहले डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक आता था, बट इस साल ना एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर से न्यूमेरिकल आने वाले, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल जरूर लगा के जाए बिकॉज फिजिक्स के लिए सीबीएसई हमेशा यहां से क्वेश्चंस पूछता रहता है। इसके अलावा हम लोग ऑब्जर्व करें शॉर्ट क्वेश्चन में से 2.7 से आप लोग को काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और 2.7 है आप लोग का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो इससे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसका डेरिवेशन हो गया, इस पे न्यूमेरिकल हो गया। और इसके अलावा आप लोग को एक और पीक देखने को मिल रहा है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो इसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करें। बाकी आप लोग पॉज करके या इसको डाउनलोड करके भी पूरी पीडीएफ को देख सकते हो कि कहां कहां से और क्या क्या चीजें पूछी गई। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे के सारे आप लोग के टॉपिक रहने वाले हैं। इसमें अगर आप लोग देखो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, वो भी हाई पीक में देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम वेटेज आप लोग 3.5 वाले टॉपिक में देखने को मिल रहा है, वो है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, इसका पीक आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे गए। इसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे 3.8 वाले टॉपिक से ज्यादातर पूछा गया और वो टॉपिक है आप लोग का टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इस पे आप लोग को अल्फा की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू, फाइनल की वैल्यू निकल के आती है, उन सबको आप लोग को न्यूमेरिकल अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। स्पेशली अगर मैं आप लोग को रिकमेंड करूं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर अप कर ले और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है तो उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। इसके अलावा आप लोगों को एक हाई पीक देखने को मिल रही है किरचॉफ्स लॉ के ऊपर से, यहां पे ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज बनते हुए आप लोग को देखने को मिल रहे, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। और इसके अलावा एक और पीक आप लोग को देखने को मिल रही है वो रहने वाली 3.10 जो कि आप लोग का सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस,
छोटे मोटे बच्चों वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट वो बड़े ट्रिकी रहते हैं, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लगा लेना इस टॉपिक के भी। इसके अलावा हम लोग चैप्टर नंबर 4 की बात करें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की, तो ये वाला टॉपिक तो डिलीटेड है, इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होना। बाकी जो मैक्सिमम वेटेज आप लोग को देखने को मिल रहा है इस चैप्टर में वो रहने वाला है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर 3 नंबर में एक क्वेश्चन बन जाता है, लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 4.3 वाले टॉपिक से, और वो है आप लोग का मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक, तो इसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके अलावा आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन पे एक और टॉपिक देखने को मिल रहा है, वो रहने वाला है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, ये डेरिवेशन वहां इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। लास्ट 10 ईयर में भी हम लोग को यही एनालाइज करते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, तो यहाँ पे बेसिकली 3 ही टॉपिक आप लोग के हैं, इसी में से हर चीज आगे पीछे होते रहती है, बट जो मैक्सिमम वेटेज है वो लास्ट वाले टॉपिक का रहने वाला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स की। तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, एग्जामिनेशन में जरूर आएगा ही। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में 5.2 से आप लोग को टॉपिक देखने को मिल रहा है बार मैग्नेट से, और ज्यादातर हो सकता है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड से चीजें पूछी जा सकती है, और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को कभी कभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के भी बन जाते हैं, तो ये दोनों ना इसी के आगे पीछे घूम रहे हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो ये वाला टॉपिक आप लोग का डिलीट। इसके अलावा आप लोग यहां पे अगर ऑब्जर्व करो कर्व में, तो मैक्सिमम वेटेज आप लोग को ये वाले टॉपिक को देखने को मिल रहा है, वो है इंडक्शन, सेल्फ और म्यूचुअल। भैया रट के चल जाओ, आना ही चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, और सोलेनोइड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझ सकते हैं, वो चीज है। साथ में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग को लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बन रहे हैं, आप देख सकते हो पीक इसकी उठी हुई दिख रही है। इसके अलावा इमोशनल ईएमएफ वाला आप लोग का टॉपिक है, इससे भी आप लोग को क्वेश्चन बनते हुए देखने को मिल रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, और इंडक्टेंस से आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बन रहे, तो अच्छे से करना। और इसके बाद आप लोग को लिखा हुआ है कि लॉन्ग क्वेश्चन में एक और जो काफी ज्यादा फेवरेट है सीबीएसई का, वो क्या है भाई, एसी, देख लो 6.8, वो है एसी जनरेटर आखिर क्या होता है, तो एसी जनरेटर को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना जरूरी है। इसके बाद अगर हम लोग चैप्टर नंबर 7 की बात करें अल्टरनेटिंग करंट की, तो ये सारे के सारे टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो आप लोग को सबसे ज्यादा पीक इस टॉपिक में देखने को मिल रही है। जो हाईली स्कोरिंग टॉपिक आप लोग के लिए रहेंगे वो ये और ये रहने वाले, आखिर ये है कौन कौन, ये आप लोग का एलसीआर सर्किट वाला एक टॉपिक, फिर पावर इन एसी सर्किट, ट्रांसफॉर्मर, ये तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। लास्ट 10 साल में आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन यही से आप लोग को देखने को मिले, चाहे एमसीक्यू हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो। अगर मैं ईएमएफ चैप्टर की बात करूं और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन बनता है तो ईएमएफ की इक्वेशन के ऊपर आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, उसके लिए आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाना है। इसके बाद आप लोग रे ऑप्टिक्स की बात करो, चैप्टर नंबर 9 काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें आप लोग को ये सारे के सारे टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर हम लोग हाईली वेटेज वाले टॉपिक को देखें तो वो ये पीक दिख रहा है, जिसमें आपको एमसीक्यू, लॉन्ग, शॉर्ट, सब क्वेश्चन टाइप देखने को मिल रहे हैं, और वो है आप लोग का 9.5, और 9.5 रहने वाला है रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस एंड बाय लेंसेस। इस टॉपिक को अच्छे से कवर अप करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, वो रहेगा आखिरी वाला, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप लोग ऑब्जर्व करो तो पीक सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है 9.7, और 9.7 है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जहां पे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप आपको पूछा जाएगा। तो सिंपल कंपाउंड टेलीस्कोप में आप लोग रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग सबको अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए, तो इसलिए अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाए। और अगर आप लोग थर्ड प्रायोरिटी दो तो इसमें आप लोग रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म वाले को अच्छे से कवर अप करना, मिनिमम डेविएशन के लिए कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे न्यूमेरिकल काफी ज्यादा आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और आप लोग पीक भी शॉर्ट क्वेश्चन की देख रहे होंगे, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इसका डेरिवेशन छोटा सा है, और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के अंदर जितने न्यूमेरिकल दिए इस टॉपिक से रिलेटेड रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म से, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले। नेक्स्ट है आप लोग का वेव ऑप्टिक्स, यहाँ से क्या क्या चीजें आने वाली है, तो दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक आप लोग के रहने वाले वेव ऑप्टिक्स में, और ये पूरा का पूरा आप लोग का एनालिसिस है 10 साल। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो आप लोग देखो डिफ्रेक्शन सबसे ज्यादा पूछा गया है 10.6, अच्छे से पढ़ के जाए। इंटरफेरेंसेस सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एक्सप्रेशन आने वाले, डिफ्रेक्शन से आप लोग को डेरिवेशन भी आ जाएगा, न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का डिफ्रेक्शन रहेगा, इसको अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें भाई। इसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और यंग एक्सपेरिमेंट से आप लोग को पूछे जा सकते हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर एक्सरसाइज में जितने न्यूमेरिकल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड दिए उसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज वगैरह निकालना रहता था। इसके बाद अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो शॉर्ट क्वेश्चन से ना आप लोग को ये वाला पीक दिख रहा है, वो रहने वाला हाइगन प्रिंसिपल के थ्रू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करके दिखाना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दोनों में से कोई जरूर आता ही है।
तो इसलिए उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है डुअल नेचर वाला चैप्टर आप लोग का, यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक है आप लोग के। इसके 10 साल को एनालाइज करने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा पीक हमको ये वाले टॉपिक में देखने को मिल रहा है 11.6, और 11.6 है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, हाईली स्कोरिंग टॉपिक है आप लोग। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो आप लोग को 11.4 से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एक्सपेरिमेंट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। और नेक्स्ट प्रायोरिटी अगर हम लोग दे तो वेव नेचर वाले टॉपिक को दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं एटम चैप्टर की, तो एटम चैप्टर में ये सारे टॉपिक आप लोग के सिलेबस में है, और 10 साल के थ्रू अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें तो सबसे ज्यादा आप लोग को 12.5 से क्वेश्चन आते हुए देखने को मिले लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम से। तो यहाँ पे पूरा डेरिवेशन भी है, न्यूमेरिकल भी है, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। सेकंड प्रायोरिटी अगर आप लोग दो तो वो दोगे आप लोग 12.2 टॉपिक से जो रहने वाला है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग और रदरफोर्ड का मॉडल। याद रखना ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, घुमा फिर आके पूछा जाएगा। इसके अंदर इंपैक्ट पैरामीटर, काइनेटिक एनर्जी, ये सब टॉपिक है, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करें गाइस, क्योंकि यहाँ से आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद थर्ड प्रायोरिटी हम लोग दे सकते हैं बोर्स मॉडल को, इसके तीनों पोस्टुलेट याद करके जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। इसके बाद न्यूक्लियर वाले चैप्टर की बात करें, छोटा सा चैप्टर है, 10 साल के अकॉर्डिंग इसको एनालाइज करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को 13.7 से आते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो है न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन। इसके अलावा सेमीकंडक्टर चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे के सारे टॉपिक आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो रहने वाला है 14.6, और वो है सेमीकंडक्टर डायोड। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिले, प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगाना, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा आप लोग को पूछा जा रहा है। इसमें आप लोग को सारे वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी अगर हम लोग दे तो मैं इसकी जगह इस पे देना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और वो टॉपिक है आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ डायोड, जो स्पेसिफिकली रेक्टिफायर है, रट के चल जाना, फुल वेव हाफ वेव, उसी पर रिगार्डिंग क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलने वाले। और थोड़ा बहुत आप लोग को एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर भी चीजें पूछी जा सकती है, और बाकी सभी के सभी चीजें आप लोग को यहाँ पे अच्छे से और अच्छे से यहाँ पे एनालाइज है, तो आप लोग हो सके तो इसको डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आप लोग जो पर्पल कलर से देखने को मिल रहा है डार्क कलर से, वो एमसीक्यू है। जो लाइट फॉर्म में देखने को मिल रहा है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, डार्क फॉर्म में देखने को मिल रहा है वो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर टाइप 2 आप लोग का लाइट ग्रे है, और सबसे लाइट ग्रे जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ऐसे में आपको पूरी पीडीएफ में चीजें समझ में आ जाएगी, इसके थ्रू आप लोग पूरे 10th ईयर के सीबीएसई के पेपर को एनालाइज कर लोगे अच्छे से। बाकी इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको अपने एंड से अच्छे से कवर अप करके समझा दिया हूं। आप लोग से रिक्वेस्ट है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले और अपनी घर बैठे सीमलेस प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बाकी इस चैप्टर से रिगार्डिंग आप लोग को कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने इस चैनल पे सारे वन शॉट वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड कर दिया हूं, जो रह गए वो आप लोग को और अपलोड हो जाएंगे। बहुत सारा प्यारा कंटेंट इस चैनल पे आप लोग के लिए अवेलेबल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और साथ ही साथ 12 डेज का क्रैश कोर्स मैंने आप लोग के लिए लेकर आया हूं, अगर आप लेट भी हो चुके हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो। सारी की सारी क्लासेस की आप लोग को यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी, जहां पे हम लोग रिवीजन के साथ साथ मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे रहे हैं, जहां पे वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सबको कवर अप कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और 12 डेज के क्रैश कोर्स में जिनने साल भर में पढ़े हैं अच्छे से उनका तगड़ा रिवीजन हो जाएगा, और जिनने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े उन लोग के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस के साथ आप लोग को ढेर सारा स्टडी मटेरियल मेरा मिल रहा है, और साथ ही साथ मेरे खुद के प्रीमियम नोट्स मिल रहे हैं। क्रैश कोर्स के बारे में जाने के लिए आई बटन पे क्लिक करें और वहां से जाके आप लोग चीजों को समझ लें। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।